देश के कई राज्यों में इस समय चलचलाती गर्मी पड़ रही है, लू भी चल रही है और तापमान 40 डिग्री के पार तक पहुंच जा रहा है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राहत भरी खबर दी है। आईएमडी ने सप्ताह के अंत में भारत के दक्षिणी राज्यों के साथ साथ देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के अनुसार अगले दो दिनों तक आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने के साथ आंधी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायल सीमा के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ साथ आंधी की भविष्यवाणी की है। बारिश के अलावा राज्य भर में अलग अलग स्थानों पर गर्म, आर्द्र और असुविधाजनक मौसम होने की उम्मीद है। आज के मौसम की संभावित गतिविधि। मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार आज शनिवार यानी कि 12 से 13 अप्रैल के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। 12 से 13 अप्रैल के बीच गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 12 से 15 अप्रैल के बीच तेलंगाना, केरल, आंध्र, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। 13 से 15 अप्रैल के बीच तीव्रता और फैलाव में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। 13 और 14 अप्रैल को जम्मू कश्मीर और 14 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की संभावना है। 13 और 14 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में छीटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 15 अप्रैल तक राजस्थान में गरज, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।